नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार ए टू जेड। जनपद हाथरस में कोरोना वायरस का एक संदिग्ध मरीज जिला अस्पताल पहुंचा है। मुरसान क्षेत्र का रहने वाला युवक पिछले दिनों नेपाल गया था। करीब 12 दिन पहले वहां से वापस लौटा था। खांसी, जुखाम, बुखार की शिकायत पर वह जिला अस्पताल पहुंचा, जहां उसे कोरोना का संदिग्ध मरीज मानते हुए आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। समाचार ए टू जेड के लिए हाथरस से हबीब खान की रिपोर्ट। मैं उसको भर्ती किया है, कोरोना का पेशेंट है। नहीं, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। एक व्यक्ति जो कह रहा है कि मैं नेपाल से 22 तारीख को आया था, आज लगभग 10-12 दिन हुआ है और 14-15 दिन इंक्यूबेशन पीरियड होता है, और वो कह रहा है कि मुझे कुछ खांसी जुकाम है और बुखार भी आया है, लेकिन बुखार उसको नहीं है। ऐसे केस को हम थोड़ा संदिग्ध मानते हैं और इसकी जांच भी कराएंगे और आइसोलेशन में जब तक रखेंगे जब इसकी पुष्टि नहीं हो जाती। कब तक हो जाएगी पुष्टि? सर, इसको मैंने आज सैंपल अभी हम लोग निकाल लेंगे, निकालने के बाद इसको दिल्ली लैब में भेजेंगे। दिल्ली जैसे जैसी जाँच आ जाएगी उसी आधार पर पुष्टि हो पाएगी इसको कोरोना है या सादा। तब तक पेशेंट को कहाँ आप? हम लोग इस पेशेंट को आइसोलेशन वार्ड में रखेंगे पूरे प्रिकॉशन के साथ, जिससे कि वह किसी अन्य व्यक्ति, अगर इसको कोरोना है तो किसी अन्य व्यक्ति में ना फैले। तो केयर टेकर कोई रहेगा? हाँ, केयर टेकर रहेंगे। इसके लिए पूरे सेफ्टी किट और हर चीज़ का इंतजाम है हम लोगों के पास।